Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. With that, I hope that everybody is enjoying their second Saturday, na? एक डेढ़ दो साल से अपन ट्राई कर रहे हैं कि घूमने फिरने जाएंगे, कहीं प्लान बनाएंगे कहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और सडनली देखो कि अभी अपन मुश्किल से डेढ़ दो हफ्ते पहले ही अपन हरिद्वार का ट्रिप बना के हैं, और आज फिर से अपना ट्रिप बन रहा है। माता वैष्णो देवी अपन जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ और मेरे दोस्तों के साथ। तो जब बनता है तो अचानक ऐसे ही बन जाता है। कल शाम को अपनी प्लानिंग बन रही थी कि यार कहीं घूम के आएंगे, कल घूम के आएंगे, चलो माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे होता है कि माता का बुलावा आया और फटाक से प्लान बना। तो अभी मैं सचिन को, मेरा जो दोस्त है मेरा, उसको अपने लेने के लिए जा रहा हूँ। गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, उसको पिकअप करेंगे, घर जाएंगे, विशाल को पिकअप करेंगे, एंड देन ऑफ टू वैष्णो देवी। आई होप नहीं नहीं आना चाहिए ना कैमरे में, मैं देखो बैजोरू का गुलाब, ऐसा नहीं आना चाहिए वीडियो में। तो भाई लोग, अपन निकल चुके हैं माता के ट्रिप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यो पेटला सचिन है और पाछा विशाल तथा मैं बेरा देखा। तो भाई मजा आ जाएगा बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद, ठीक है। तो अभी जयकारा जयकारा माता शेरावाली, बोल साचे दरबार की जय। अदरा तो भाई साहब हमारा दोस्त है, अरे हम नहीं पीती नहीं पी रहा था, अब भाई के सोच रहे कच्चे बनी होने की दुकान है, फैक्ट्री है, पानी का जगह भी मतलब ठीक है, कच्चे बनाने की फैक्ट्री है। तो हमने कहा भाई माम जोखी का कच्चा भी तेरे फूक है, मसाल के एटलीस्ट तीन चार कच्चे का मारती विदेश का है, दोस्त यार किस बात के काम आओगे भाई बेटे। तो भाई भाई ने कभी फिक्स कर दिया, इब लाइफ टाइम मारे कच्चे बन जाए, जो भाई के सोच रहे फैक्ट्री बताओगे वो भी फ्री, मतलब आओगे तो लाइफ टाइम फ्री आओगे। और हम इस तरफ ये देखे, ये बेसिक हमने जेब तो देने पड़े, अब हम इस तरफ ये नहीं देंगे, जेब तो देगा अपनी इनके, तो पीछे ही देगा अच्छा जो भी देता हूँ हमने, तो भाई अपना फ्री में मिलने चाहिए। बता दी भाई सचिन, ठीक है, डन हो गया भाई साहब। वीडियो मगर दुनिया ने देख लिया, बात ही देख लिया, मुकर गया ना, तो बस केस कर देंगे। अभी रुक गए हैं, तकरीबन समय हुआ है 9:15 का, और हम पहुंच गए हैं, कौन सी हवेली है, हवेली है चन्ना हवेली। डिनर टाइम इसलिए क्योंकि हम ये जो है ना नकली आदमी घर तक खा कर ना आए, कभी चावल खाओगा के गिलास मंगाए हैं, अरे इस चावल तो पूछ रहा था, कह रहा चावल खाओगा, लाड़ा भी चावल खाओगा भाई, ऑप्शन सारे भरे हैं। शहरी पपलू, शहरी पपलू, शहरी पपलू, ये तो सचिन बेइज्जती हो रही है, ये बेइज्जती हमारे के लगो ना भाई, अरे ये रेसिस्ट बेसिस्ट डिस्क्रिप्शन, अरे डिस्क्रिप्शन फैलावा है और रेसिस्ट है, हम नहीं इसको करेंगे, इसको हटाओ भाई। ओ भाई तो गिलास दूसरे डाल के लिया है, यही सोच रहा था यार, खाना तो खा लिया, ओके था इतना, बिल्कुल देखो पीछे गुफा में आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ गुफा में वहाँ जाके वॉशरूम बनाया हुआ भाई ने मतलब कम से कम भी 100 मीटर अंदर चल के उसके पीछे दिख रहा, लास्ट में जाओ राइट घुसो, तब अलग ही लेवल है भाई। तो भाई लोग अपन पहुँच गए हैं लखनपुर बॉर्डर, सचिन येरा विशाल गाड़ी में सो रहा है, कह रहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसको भी फिलहाल नींद नहीं जकड़ा हुआ उसको ज़बरदस्त तरीके से, इतनी ज़बरदस्त लाइट आ रही है सामने से। अभी अपन यहाँ पे, मैं और मतलब सचिन ने सोचा कि यहाँ पे खा के लड्डू एक एक चाय पियेंगे, और आई थिंक 3-3.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। सही बेहतरीन एक और आ रही है, तो यो आदमी उठ चुका है, ये एक दूसरी लाश उठ चुकी है, और ये भी यहाँ से माता के पहाड़ की वीडियो बना रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इतना मक्खन रोड बना दिया ना, मतलब बिल्कुल कटरा तक पता ही नहीं चला भाई साहब लिटरली कि कब जम्मू से कटरा आ गया। अभी दिखाता हूँ, ये देख लो भाई माता रानी का पहाड़, ये पहाड़ भाई माता रानी का। कटरा तो पहुंच गए हैं, ये पीछे कटरा का मेन स्टैंड है, और यहाँ से यहीं पे मार्केट भी है, और ऊपर से यहाँ से चढ़ाई हो जाती है स्टार्ट। अभी सचिन को और उसको भेजा है, मैं कहा यार तुम रूम का वो देखो, क्योंकि जिस बंदे को अपन ने फ़ोन किया उसने, अपने जो आप यूजुअली रुकते हैं उसने बोला भाई रूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपना रूम का जुगाड़ करने के लिए सचिन और उसको भेजा है।
अब ठीक है, पर्दा खोलने के बाद जला दी भाई, क्या बात है। तो भाई अपना कमरा ले लिया, मस्त सोफे वोपे आड़ा कमरा है, ठीक है। एसी की जरूरत ना हमने, आड़ा बारिश आने लग रही है एसी की, जब देखेंगे। तो अभी प्लान ये बना है, सचिन जी सुनाएंगे प्लान, सचिन जी सुनाओ प्लान। मैं कह रहा हूँ अभी नाश्ता कर लेते हैं अपना। अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। अच्छा उठ के नहा दोगे? नहा दो के नहा तो ऊपर ना लेंगे दर्शन, तो पहले नहाओगे ऊपर ना नहाओ तू ना। ये तो बड़ा गंदा आदमी है सुगला। अरे से कपड़े भी धुलाने एक ना। अरे आने का यार तो ले लेंगे। दिला रहा मेरे को गंदी वाली बातें मत करो। तो भाई अपने बदन नौकरी की पार्टी दे रहा है, चल भाई प्लान यही है। ये थोड़ा बहुत नाश्ता करके बढ़िया नींद आओगी, फिर उसके बाद अपने दो चार घंटे सोएंगे, फिर मौसम बढ़िया, गर्मी का कोई ख्याल है नहीं, आराम। तो 10-11-12 बजे सी चढ़ाई चालू कर देंगे, रात में अपना उतर के बढ़िया मजा आ जाएगा। अभी तक यही प्लान है, बाकी देखते हैं टाइम। मैं तो 10 मिनट सो लिया भाई, 10 मिनट मैं मतलब लेट गया बस आँख बंद करके, और मेरे को नींद भी आ गई। इतनी जबरदस्त हालत है, इतनी जबरदस्त हालत है, पेट नींद भी आ रहा है यार, नींद आ रहा है। तो साढ़े 4-5 घंटे लास्ट बन के पड़ा रहे गाड़ी पीछे। भाई थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस आ गए हैं, ढीली होगी मैं पतला हो गया। प्रोग्राम में चेंजेस ये है कि पहले हम सोचा कि कार्ड बनवा ले, उसके बाद ज्यादा सोएंगे और फिर ज्यादा चढ़ाई करेंगे। एक नया आई कार्ड मिल चुका है, ये यहाँ की आइडेंटिटी प्रूफ है हमारी। अभी आई थिंक ये 6 घंटे के अंदर, इसको लेने के 6 घंटे के अंदर बाणगंगा को क्रॉस करने का, ऐसा विशाल बोल रहा था। विशाल तू बोल रहा था, सचिन बोल रहा था, ऐसा सचिन बोल रहा था। इसने कहीं पढ़ा था ऐसा कि 6 घंटे के अंदर इसको बाणगंगा को क्रॉस करना है इसको लेने के बाद। मुझे लग नहीं रहा वैसे इसमें कोई, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना आई थिंक फॉर्मेलिटी के लिए, बिकॉज इस पर कोई सेंसर वेंसर मुझे कुछ लग रहा, सिंपल एक कार्ड है ये, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया होगा। बाकी ये है कि अपन का तो प्लान है ही, वैसे भी 4-5 घंटे में हम लोग निकल लेंगे, तो पानगा का तो 15 मिनट का रास्ता है, तो नो इशू। अभी जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पहले, रेस्ट। तो यार ऑल सेट टू गो, अभी करेंगे चढ़ाई। भाई सामान सुमून देख लो अपना सारा, नया चेक कर लो भाई, ये टेबल पे कपड़े इसके पड़े होंगे पेट के, सड़े उड़ी ने बैग में घाल लेता। बैग तो हम लेके जा रहे तेरा बैग, चलो कोई बात नहीं, मेरे सड़ा उड़ वापिस दे दे। चलो भाई पाया था, हाँ सही कह, वो डायलॉग याद है मनाली वाला डायलॉग मारा है। चलो भाई अभी यात्रा शुरू करेंगे। ये बना दिएगा दोबारा अरे रेनोवेशन कर दिया यार। अपन इस वाले होटल में बहुत रुके हैं भाई, बिल्कुल ये चढ़ाई से बिल्कुल पास में पड़ता है ना, जबरदस्त व्यू था। खिड़की खोलो सामने माता रानी का पहाड़। अभी इस बार हम लोग पता नहीं क्यों नहीं आए थे। हेलो, इतनी बार आ लिया है लेकिन इतनी भीड़ पहली बार देखी है, देखिए इतनी भीड़ वैसे लाइफ में पहली बार देखी है। जो नीचे इतनी भीड़ हो रही हो तो ऊपर तो सोचो क्या हाल हो रहा है। पर अब जाना है दर्शन तो करने ही है। देखना पीछे बाणगंगा का एरिया है, ये इधर बाणगंगा है, पूरी भीड़ पैक, बिल्कुल पैक। सचिन ने तो कोशिश की कि घोड़ा पकड़ लूं, बट इसको मतलब रीजनेबल नहीं लगा, इसलिए अभी मना कर दिया। आगे फिर मिल जाएगा, घोड़े वाला तो घोड़े पे जाओ भाई। कोई ना, थक गया ये थोड़ा, इसको लग रहा है कि थकान हो गई क्योंकि धूप सा ही मौसम भी हो रहा है। तो अर्धकुंवारी तक थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो वहां तक लौंडा कह रहा कि भाई मेरा तो चले चढ़ा घोड़ो करा दो घोड़ो। शायद 5-7 मिनट चल रहा है, फिर बैठ जाए नुक कि तो कुछ खा पी वो पी ले, जूस जास पी ले, कि तो कुछ पी ले, कि तो कुछ पी ले है, और पेट तो नट है ना करे कि ना कुछ खवाओ कुछ पियाओ। बेड़ा आज ऊपर बुआई, मुझे जहाँ तक अंदाजा ना ऊपर मस्त टाइम लगने वाला अपने को, मस्त जितनी हिसाब से भीड़ चल रही है भाई। भाई लोग अभी पहुँच गए अर्धकुंवारी, सचिन की हालत टाइट है, विशाल ओके है, ये वो बालू देख लो कैसा हो रहा है। एक वो बीच में देख क्या रहेगा आदमी, पद्धि माता रानी माता है, ढाई पाँच छत है।
यार दुबारी पे कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा पी के और फिर अपना रास्ता पकड़ेंगे आगे का। भीड़ के हिसाब से हमने सोचा था कि इस बार गुफा भी सोचेंगे, गुफा अगर हो सके तो गुफा भी से निकलेंगे, पर भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है तो गुफा एक बार भी कैंसिल है, अगली बार फिर देखेंगे। बैठ लिया गए? अच्छा बोतल भी रह रही थी पे। 4 किलोमीटर रह रहा है भवन और दुबारी तो थोड़ा सा ऊपर आ लिए, फोटो सेशन किया इसलिए मोनोपोड निकालना पड़ा कि भाई एक साथ में थोड़ा सा अच्छा फोटो आ जाएगा। 3 घंटे में मतलब यहाँ तक पहुँच गया यार, 4 घंटा बोल रहा है बस। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे में हमारी चढ़ाई पूरी हो ही जाएगी, ज़्यादा गंदा आ जाए देखते हैं बस। वो तो जब यू आला जब ये ढिल्ला है ढिल्ला है पिलपिला आयो ढिल्ला नहीं ढिल्ला नहीं पिलपिला है दे रखा है तेरे। तो भाई लोग ये अपन बिल्कुल भवन के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, अभी दिखाता हूँ ये पीछे देखना, सचिन और वो जा रहे हैं उधर आगे, ये पीछे माता रानी का भवन है, ये रहा जिसमें दर्शन करने दर्शन कर लो भाई।